मैकलारेन कार की प्राइस सबसे सस्ते मॉडल के लिए 3.72 करोड़ से शुरू होती है जो जीटी है और सबसे महंगे मॉडल की प्राइस जो 720 है 4.65 करोड़ रुपए से शुरू होती है। मैकलारेन भारत में दो कार मॉडल पेश करता है जिसमें कूपे कैटेगरी में दो कार शामिल हैं। मैकलारेन 7204.65 करोड़ रुपए, मैकलारेन जीटी 3.72 करोड़ रुपए। रोज नई नई जानकारी के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। आशा करेंगे हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेंगी। यह जानकारी www.wikipedia.com वेबसाइट से ली गई है। ताब जीतने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के F1 ड्राइवर बन गए। समय 1963 में ब्रूस मैकलारेन ने रेस कारों को विकसित करने के लिए मैकलारेन मोटर रेसिंग की स्थापना की। कंपनी ने 1964 में M1A को दुनिया के सामने पेश किया, मैकलारेन मोटर रेसिंग की पहली रेस कार, और M1A के केवल 24 उदाहरण ही बनाए गए थे। मैकलारेन कार्स को 2 दिसंबर 1985 को रॉन डेनिस द्वारा शामिल किया गया था। वो किंग सरे इंग्लैंड में पैदा हुए एक अंग्रेज। कुछ वर्षों के बाद मैकलारेन ने 1992 में मैकलारेन F1 नाम से अपनी पहली रोड कार की घोषणा की, और वह प्रसिद्ध कार डिजाइनर गॉर्डन मरे द्वारा डिजाइन किया गया था। 2010 में मैकलारेन कार्स का नाम बदलकर मैकलारेन ऑटोमोटिव कर दिया गया। दशकों के शानदार मोटर रेसिंग अनुभव ने मैकलारेन को दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कार निर्माताओं में से एक बना दिया। मोटरस्पोर्ट और रेस कारों के लिए ब्रूस मैकलारेन का प्रेम अभी भी मैकलारेन परिवार में चलता है। ब्रांड ने विभिन्न प्रकार की स्पोर्ट्स कारों का उत्पादन किया है, जैसे कि F1, MP412C, P1, 650S, 570S, 720S, सेना इत्यादि। ब्रिटिश कार मार्के अपने विशाल और अल्ट्रा मॉडर्न मैकलारेन टेक्नोलॉजी सेंटर वोकिंग सरे यूनाइटेड किंगडम में उत्कृष्ट सुपरकार बनाती है। इंटीरियर और उपकरण स्टॉक मैकलारेन F1 पर मानक उपकरण में संपूर्ण केबिन एयर कंडीशनिंग, जो ज्यादातर स्पोर्ट्स कारों के लिए एक दुर्लभ वस्तु है, और एक सिस्टम डिजाइन शामिल होता है जिसे मरे ने फिर से होंडा NSX में शामिल किया, जो एक ऐसी कार थी जिस पर उनका स्वामित्व था और जिसे उन्होंने खुद 7 साल तक आधिकारिक F1 वेबसाइट के अनुसार कभी किसी AC स्वचालित सेटिंग में परिवर्तन किए बिना चलाया था। अतिरिक्त सुख सुविधाओं में सेकुरित इलेक्ट्रिक डिफ्रोस्ट डैमिस्ट विंडस्क्रीन और साइड ग्लास, इलेक्ट्रिक विंडो लिफ्ट, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, केनवुड 10 डिस्क CD स्टीरियो सिस्टम, ओपनिंग पैनलों के लिए केबिन एक्सेस रिलीज, केबिन भंडारण डिब्बा, 4 लैंप उच्च प्रदर्शन हेडलाइट सिस्टम, रियर कोहरा और रिवर्सिंग लाइट्स, सभी डिब्बों में कोर्टेसी लाइट्स और एक सोने के प्लेट वाला फैकोम टाइटेनियम टूल किट और फर्स्ट एड किट दोनों कार में संग्रहित शामिल था। इसके अलावा एक टेलर गोल्ड बैग सहित वाहन के कार्पेटेड स्टोरेज कंपार्टमेंट में फिट होने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए अनुरूप मालिकाना लगेज बैग्स मानक उपकरण थे। एयरबैग्स कार में मौजूद नहीं है।